हाय गाइस, मेरा नाम मन्नान है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग ई 1200Y मॉडल के बारे में कि उस सैमसंग ई 1200Y में अगर हमें रीड करना हो या फ्लैश करना हो या अनलॉक करना हो तो मान के चलिए कि इसका डाटा केबल जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मिलता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे हालत में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस मोबाइल को हम जो है DPDM कनेक्शन के माध्यम से इसे हम अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब USB डाटा केबल को आप कटिंग करेंगे उसमें चार गो वायर निकलेगा। उस चार वायर में एक रेड कलर का, एक जो है आपका ब्लैक कलर का, और उसके बाद ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो रेड कलर का वायर जो होगा 5 वोल्ट का होगा और ब्लैक कलर का जो वायर होगा वो ग्राउंड होगा। उसके बाद ग्रीन कलर का जो वायर होगा वो डाटा माइनस होगा और व्हाइट कलर का जो वायर होगा वो डाटा प्लस होगा। तो इसी हिसाब से जो हमें बोर्ड में कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर मार्केट से डाटा केबल खरीदते हैं तो उस डाटा केबल को पहले आप चेक कर लें कि वो डाटा केबल आपका जो है सही है या नहीं है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक डाटा केबल को कटिंग किया है और इसमें से चार वायर जो है इसमें निकल चुका है। और इस चार वायर को आप यहां पर देख सकते हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक व्हाइट कलर का है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन कलर के बजाय जो यहाँ पे कुछ और कलर का यहाँ पे वायर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये डाटा केबल का जो वायर है ये जरूरी नहीं कि सही हो सकता है, ऐसा कनेक्शन गलत भी हो सकता है। तो आज हम बायता आपको प्रूफ दिखाएंगे कि इस डाटा केबल का जो कनेक्शन गलत है तो इसे हम सही कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सही करने के लिए, इसे जो सही तरह से चेक करने के लिए, इस डाटा केबल को हम अपने चार्जर में लगाएंगे और चार्जर में लगाने के बाद इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इसका जो रेड कलर का वायर है, रेड कलर का वायर से जो है इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ब्लैक कलर का जो वायर है वो ग्राउंड है या नहीं। तो चलिए हम अपने मल्टीमीटर में इस वायर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो हम अपने मल्टीमीटर के रेड कलर के वायर को जो है रेड में लगाएंगे और ब्लैक कलर के वायर को ब्लैक में लगाएंगे और हमें इसका वोल्टेज चेक करना है कि इसमें जो 5 वोल्ट आ रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज 5 आ रहा है, 5 वोल्ट इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा केबल का जो कनेक्शन है ये गलत है, ठीक है। प्लस का माइनस में है, माइनस का प्लस में है। तो इस हिसाब से आपको जो डाटा केबल आपको पहले चेक करना होगा, तब जो है कि आप मोबाइल के बोर्ड में जो है आप सोल्डिंग करें और DPDM का कनेक्शन करें। उसके बाद बचता है हमारे पास जो है यहाँ पे दो वायर, एक वाइट कलर का और दूसरा जो है ये जो कलर देख रहे हैं इस कलर का, ठीक है। तो इसमें ग्रीन कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का नहीं है, तो इस डाटा केबल का कोई भरोसा नहीं है। तो आप जब भी DPDM का कनेक्शन करें तो अपने डाटा केबल को सही तरीके से पहले चेक कर लें। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि DPDM का कनेक्शन कैसे किया जाता है सैमसंग ई 1200Y में, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे DPDM का कनेक्शन कर दिया है और हमारा जो रेड वाला वायर ब्लैक था और ब्लैक वाला वायर जो हमारा रेड था, तो हमने जो है रेड वाले वायर को ब्लैक में जोड़ दिया है और उसके बाद जो है ब्लैक वाले वायर को हमने जो है प्लस 5 वोल्ट में मैंने उसे कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो बाकी वाला दो जो वायर है, जो व्हाइट वाला वायर और उसके बाद एक जो वायर था, उस वायर को जो हमने DPDM में कनेक्शन कर दिया है। तो इसका जो कनेक्शन DPDM कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूंगा और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम अपने मेडिकल टूल में चलते हैं। मेडिकल टूल में आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मेडिकल टूल को ओपन कर लिया है। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे मोबाइल दिखा रहे हैं एक तरफ, और मोबाइल को आपको बूट कैसे कराना है। दोस्तों, मैं बता दूँ, मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको इसमें जो है आपका जो मेनू वाला जो बटन होता है, ठीक है, उस बटन को आपको कंटिन्यू दबा के रखना है और बैटरी आपको लगा के रखना है और डाटा केबल आपको लगाना है, ठीक है। जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप पहले जो है डाटा केबल लगा दें, उसके बाद आप उसका जो मेनू बटन है उसे आप दबा करके रखें और उसके बाद आप बैटरी लगाएंगे तो आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। तो ये दो तरीके से आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DPDM के जरिए से हमारा मोबाइल सक्सेसफुली बूट हुआ और हमारा मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है। चलिए अब आपको आप समझा देते हैं कि कैसे आपको DPDM का कनेक्शन करना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामने में कि ये सैमसंग E1200Y का मदरबोर्ड है और इस बोर्ड में मैंने जो है यहाँ पर कनेक्शन दिखा रखा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पिन नंबर पे कौन सा कनेक्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।